आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोरोना महामारी से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, इस संबंध में आज आरपी भारत से आम लोगों के लिए जरूरी जानकारी साझा कर रहे हैं बेगूसराय के डॉक्टर मजहर आलम। बेगूसराय जिले में पक्षाघात रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मजहर आलम ने कहा कि कोरोना वायरस एक ऐसा रोग है जिससे डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सतर्क रहकर इससे निपटने की जरूरत है। कोई भी वायरस 7 दिन से लेकर मात्र 14 दिन तक ही रहता है, उसके बाद वह वायरस स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए कोरोना से संक्रमित लोग चिकित्सा के परामर्श का 100% पालन करें और क्वारंटाइन में रहें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए काढ़ा का इस्तेमाल करें। देखिए खास बातचीत नवी आलम के साथ डॉक्टर मजहर की। नमस्कार, अभी आप मैं मौजूद हूँ बरथोली चौक के पास ग्रैंड हेड डॉक्टर मजहर आलम जी के पास हूँ, जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जहाँ पूरे बिहार में बल्कि नहीं पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। भारत की बात करें तो 1 लाख से ऊपर के कोरोना की मरीज की संख्या हो गई, बिहार की बात करें तो 1500 के आसपास मरीज हो गई है। इसको लेकर किस तरह बचाव होना चाहिए, मैं खास बात करने के लिए डॉक्टर मजहर जी के पास आया हूँ। आज जो ये बताएंगे कि कैसे इनसे कोरोना वायरस के मरीज जो हैं उनको क्या करना चाहिए, आगे इस बीमारी का क्या समाधान और या क्या ये बीमारी से बचने के लिए उपाय होना चाहिए। किस तरह कोरोना वायरस को बचाव के लोग कैसे बचेंगे? देखिए, विश्व में जो ये महामारी कोरोना वायरस की हो रही है, इसके लिए बचाव जो सबसे पहला बचाव है वो बचाव है सोशल डिस्टेंसिंग और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन। अगर इस तरह हम लोग आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और अगर हम जो भी मेडिसिन हमारे यहाँ है, आयुष मंत्रालय की तरफ से एक मेडिसिन आई है जो ऑलरेडी काढ़ा के रूप में है, वो तैयार किया गया है और उसको अगर हम सेवन करते हैं, अपने घर में भी बनाते हैं, देसी काढ़ा अपने घर में भी लोग बनाते हैं, अगर इसका सेवन किया जाए तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी और जिस मनुष्य का इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगा उसको कोरोना से बिल्कुल जो है मुक्ति मिलेगी, अगर वो पॉजिटिव है तो। जिस तरह जैसे चीन से ये कोरोना वायरस फैली है, अब जो है भारत में आंकड़ा तेजी से फैल रही है, इसको लेकर क्या होना है, किस तरह रोक होना चाहिए? हमारे इंडिया में जो भी लोग हैं वो काफ़ी जो है काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टअप के लोग हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर जो भी मृत्यु दर देख रहे हैं वो बिल्कुल अदर कंट्री के अपेक्षा बिल्कुल कम है और कम रहेगा। भले हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, दिखने को लग रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, मगर हमारे यहाँ मृत्यु दर बिल्कुल कम है और कम रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो एक आदेश आया था कि कोई भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए जान भी चाहिए माल भी चाहिए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बचाव के लिए कहीं दवा का भी परीक्षण चल रही है, इसको लेकर मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह दवा बनने का बात है और ये सामने। हमारे आयुष मंत्रालय, चूँकि मैं चिकित्सक में आयुष चिकित्सक हूँ और मेरे चिकित्सा जगत में इसका पूरा जो है रिसर्च चल रहा है सरकार के तरफ से भी और हमारे प्राइवेट चिकित्सक भी जो अपने शोध में कर रहे हैं, इसका शोध कर रहे हैं, इसकी तरह पूरी जानकारी ले रहे हैं कि इसके लिए क्या मेडिसिन उपलब्ध हो, इसके लिए जितना जल्दी हो हमारा जो भी इंफ्रा है इसका तैयार हो रहा है और अवश्य इसमें जो है हम लोग को कामयाबी मिलेगी, कोरोना में हम लोग पराजय लेंगे मेडिसिन बनाने। आप देख लिए थे कि इनका साफ साफ कहना है कि जो जिला प्रशासन बिहार सरकार जो आदेश दिया गया क्वारंटाइन में रखने वाले मजदूर को, उनकी भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अब ये जिला प्रशासन ने टैक्स देते हैं और मगर वहाँ की जो अधिकारी होती है उनकी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं मजदूर जो है उनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं दिया पड़ता, उसकी स्वास्थ्य नहीं जाँच होती है,
इसको लेकर ये आज हमारे बीच जो है बताएं बातें, कुछ खास बात ये भी बताएं कि अभी जो कोरोना की महामारी है उसको लेकर दवा भी कुछ निकाला जा रहा, काढ़ा के तौर पर निकाला जा रहा, और जितने जो लोग हैं वो काढ़ा का यूज करें। बेगूसराय से मोहम्मद अली आलम।